शराब घोटाला मामले में जांच एजेंसी ईडी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन जारी किया है एजेंसी ने केजरीवाल को पांचवी बार समन भेजकर दो फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है इससे पहले भेजे गए समन को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बदले की कार्रवाई बताया था वही ईडी ने इससे पहले 17 जनवरी 3 जनवरी 21 दिसंबर और 2 नवंबर को दिल्ली सीएम को समन भेजा था लेकिन वो पेश नहीं हुए चौथे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। शराब नीति केस में ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जेल में हैं।